ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के छठे स्कंद वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव, छठे स्कंद का अध्याय 9 और श्लोक संख्या 44। अथो ईश जहि त्वाष्ट्र ग्रसन्तं भुवनत्रयम् ग्रस्तानि येन न कृष्ण तेजांसि अस्त्र आयुधानि च। अथो अतः ईश हे परम नियंता जहि मार्ये त्वाष्ट्रम त्वष्टा के पुत्र वृतासुर को ग्रसंतम जो निकले जा रहा है भुवनत्रयम तीनों लोक ग्रस्तानी निकले हुए ये जिसके द्वारा न हमारा कृष्ण हे भगवान श्री कृष्ण तेजांसी समस्त शक्ति तथा तेज अस्त्र तीर आयुधानी तथा अन्य हथियार च भी। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की अतः हे परम नियंता हे भगवान श्री कृष्ण त्वष्टा के पुत्र इस घातक असुर वृत्तासुर का संहार कीजिए जिसने हमारे समस्त शस्त्रास्त्र युद्ध की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल रखा है। तात्पर्य भगवद गीता 7:15-16 में भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रतिज्ञान आसुरं भावमाश्रित चतुर्विदा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आश्रित स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में अधम और पाप करने वाले मूढ़ मेरी शरण में नहीं आते हैं। हे भारत अर्जुन विपदाग्रस्त धन की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु और ज्ञानी ये चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। ये चार प्रकार के नवदीक्षित भक्त जो भौतिक लाभों की दृष्टि से भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान की शरण में जाते हैं वह शुद्ध भक्त नहीं है।
किंतु ऐसे सांसारिक भक्तों को यह लाभ है कि वे कभी कभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब देवता अपने को निरुपाय पाते हैं तो दुख के कारण वे अशुभपूर्ण होकर प्रार्थना करते हुए भगवान के पास जाते हैं और इस प्रकार वे लगभग शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भौतिक वासनाओं से मुक्त रहते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि परम ऐश्वर्य के भौतिक अवसरों के कारण ही वे ईश्वर की शुद्ध भक्ति करना भूल गए हैं, अतः वे ईश्वर को आत्मसमर्पण कर देते हैं, फिर ईश्वर चाहे उनका पालन करें या संहार करें। ऐसा आत्मसमर्पण आवश्यक है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मारो भी राखो भी यो इच्छा तुम्हार, हे भगवान मैं आपके चरण कमलों पर पूर्णतया समर्पित हूँ, अब आपकी जैसी इच्छा चाहे मुझे बचाएं या मारें, आपको दोनों का अधिकार है। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वः। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर छठे स्कंद में जो कथा शुरू हुई वो सबसे पहले के शुरू के जो तीन अध्याय हैं उनमें अजामिल की कथा चली, उसके बाद चार से छः तक दक्ष की कथा चली, और उसके बाद अब सात से तेरह तक बात के जो ये सात अध्याय हैं इनमें जो है वो व्रतासुर की ये कथा, इंद्र और व्रतासुर की कथा चली। तो इसमें अब अगर थोड़ा सा पहले देखें तो यही है कि देवताओं को बृहस्पति ने का अपमान इंद्र ने कर दिया, गुरु का अपमान कर दिया, जिसके कारण बृहस्पति वहाँ से चले गए और जाने के कारण देवताओं को तरह तरह की विपदाएं आई, हार हुई उनकी। तो जब हार हुई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बोले ब्रह्मा जी हम क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो ऐसा करो, तुम लोग जो ये विश्वरूप है इससे जो है संपर्क करो, ये विश्वरूप मतलब अच्छा ब्राह्मण है और मतलब इसके तीन मुख हैं ऑफ कोर्स, और ये तुम्हारा यज्ञ वगैरह करके तुम्हें दोबारे से और तुम्हारी पूजा वगैरह करा के ये तुम्हें राज्य दिला सकते हैं। तो विश्वरूप को उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, विश्वरूप तैयार हो गए। विश्वरूप जब क्योंकि उनका थोड़ा सा झुकान जो है वो असुरों की तरफ भी था, उनकी माता की तरफ से, तो जब वो हवन में आहुति वगैरह दे रहे थे तो उन्होंने इदम नमः करके और एंड में थोड़ा सा असुरों के लिए भी उसमें कर दिया। ये बात इंद्र को बाद में पता लगी तो इंद्र ने उनके सर को काट दिया।
सर को काटने से क्या हुआ कि ब्राह्मण की हत्या हुई, इंद्र को पाप लगा, और विष्णु त्वष्टा के पुत्र थे तो त्वष्टा ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के अंदर व्रतासुर की उत्पत्ति हुई। व्रतासुर ने, व्रतासुर का साइज बहुत बड़ा था, अब ये देवता लोग बहुत परेशान हैं, ये लोग सब के सब इकट्ठे हो गए, सीधे भगवान के पास पहुँचे कि अब ये जो व्रतासुर का जो ये साइज है, व्रतापुर के जो ये शरीर है इतना बड़ा है कि ये तीनों लोगों को निगलने को तैयार है और हम लोग इससे कैसे बचें। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कुछ बातें बताई, जैसे कि ये बताया कि चार तरह के लोग जो मेरे पास नहीं आते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम है, ये सब लोग हैं चार तरह के मेरे पास नहीं आते हैं। और 7.16 में बताया कि चार तरह के लोग मेरे पास जो आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत, ये सुकृति हैं, अच्छे लोग हैं, पायस लोग हैं। क्योंकि अगर विपदा में हम लोग भगवान के पास जाते हैं इसमें कोई शर्म या कोई हानि नहीं है, इसमें हमारे लिए आर्तो डिस्ट्रेस में जो दुख में आर, जैसे देवता लोग हैं इनको आर्त हैं ये लोग, आर्त अर्थार्थी, अर्थार्थी जिन्हें डिजायर ऑफ वेल्थ पैसा चाहिए, जिज्ञासु जो इंक्विजिटिव है जो जानना चाहते हैं भगवान कौन है, और फिर ज्ञानी जो ज्ञान जिन्हें है मालूम है सब चीज़ के भगवान कौन है क्या है, और बस हमारा गोल लाइफ का है कि उनकी सेवा करना, उनका ध्यान करना। तो ये लोग चार तरह के लोग प्रभुपाद जी ने बताया आते हैं, और ये इसमें मिश्रित भक्त भी होते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में पिछले समय में कि ये लोग भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए, जैसे कि ध्रुव महाराज के मामले में हुआ। ध्रुव महाराज अपनी उनकी जब सौतेली माँ ने उनके फादर की गोद में बैठने नहीं दिया तो रोते हुए अपनी माँ के पास गए, माँ ने कहा कि देखो ये राजा हैं, उत्तानपाद हैं, ये मुझे इतना लाइक नहीं करते, ये सुरुचि को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो तुम ऐसा तुम मतलब मत सोचो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये राज्य चाहिए, ये अपने पिता की गोद चाहिए, तो तुम अपने पिता से ही बड़ा राज्य, अगर ब्रह्मा से ही बड़ा राज्य चाहते हो तो तुम वन में जाओ, वहाँ भगवान है, भगवान से सब मांग सकते हो। तो ध्रुव महाराज जंगल में गए, रास्ते में उनको नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने उनको दीक्षित किया, पहले उनको समझाया कि क्या करोगे, ये तो खेलने खाने की उम्र है, लेकिन ध्रुव महाराज बहुत फिक्स थे, उन्हें जाना था, तैयारी थी कि जाऊँगा। तो फिर नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिसका जब उन्होंने किया और अपनी जो तपस्या थी उसको और इंटेंस और तीव्र किया, वासुदेव भगवती भक्ति योगेन सेवते, नहीं यानी वो तीव्रेण भक्ति योग या अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जेता पुरुषा परम, तीव्रेण तीव्रेण भक्ति, उन्होंने इंटेंस पूरी ऑस्ट्रेटी की, बहुत एक पैर पे खड़े हो गए, सब ये जप वगैरह किया और सब जो उन्होंने सांस वांस भी रोक ली, भगवान आए। अब भगवान जब आए तो उनके मुख से कोई वचन नहीं निकले, तो भगवान ने क्या किया, अपने शंख को उनके सर से छुआया जिससे कि उनको ज्ञान हुआ, तब उन्होंने भगवान की स्तुति वगैरह की। लेकिन सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि स्वामी ने कृतार्थ वर्णन न जाचे, कि मैं कांच के टुकड़ों के पीछे था, अब मुझे आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने फिर भी उनको राज्य दिया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो बताया कि किस तरह से भक्त लोग, पायस लोग कई बार मेरे पास आते हैं और भक्त शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो भगवान की अगर यही लोग देवताओं के पास जाते हैं तो दिक्कत थी, क्योंकि देवता लोग तो रूल के बाउंड हैं कि अगर तुमने इतने बार जाप किए या इतनी मेरी पूजा की या इतनी बेलपत्र चढ़ाई या इतने से, तो उनको रिवार्ड देना है, चाहे उस रिवार्ड के ऊपर वो कुछ भी करें, गलत काम करें। तो भक्ति जो है भगवान ही दे सकते हैं, मुक्ति भी भगवान ही दे सकते हैं, देवता लोग मुक्ति भक्ति नहीं दे सकते। देवता लोग अंतवत्तु फलम तेषाम, देवताओं के द्वारा दिए गए फलों का यही अंत हो जाता है, क्योंकि वो इससे बाहर निकलने के बाद उनका राज्य नहीं चलता। इसीलिए जो माया या प्रतिज्ञाना, तो यहाँ इन्होंने बताया कि जिनकी इंटेलिजेंस को अप्रत ज्ञान, जिनका ज्ञान जो है माया ने अप्रत कर लिया है, चुरा लिया है, ख़त्म कर दिया है, वो लोग देवताओं के पास जाते हैं, और वो लोग उस तरह के मैटेरियल जो भौतिक संसार के सुखों को देवी देवताओं से मांगने के लिए उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो ये त्वष्टा थे, इन्होंने जब हवन किया था तो
उन्होंने हवन में जो इंद्र शत्रु को जो एक श्लोक में एक शब्द आया तो उसमें उन्होंने हवन में तो आहुति देते हुए कहा कि मुझे वो चाहिए जो इंद्र को मार दे, और उन्होंने लॉन्ग थोड़ा सा जरा सा लंबा खींच दिया इंद्र शत्रु सब ऐसे कुछ करके, तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया उसके मारे, उसका मतलब ये निकल गया है कि मुझे वो चाहिए जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो बेसिकली इंदिरा के लिए तो ये सब भगवान का अरेंजमेंट था। इसी के ऊपर लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक किताब लिखी है संस्कृत उच्चारणम। संस्कृत उच्चारणम की किताब को एडिट मेरे पुत्र जी गोविंदा दास ने महाराज के साथ ट्रैवल करते हुए किया था, तो मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान हो गया था कि हम उच्चारण में क्या क्या अशुद्धि कर देते हैं। जैसे कि नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दाइने हिरण्यकाशी पौर वक्षः, यहाँ तक सब ठीक है। शिला शिला मतलब स्टोन, शिला टंका नखालाये, अब गलतियाँ हो जाती हैं। इतो नरसिम्हा पर, और नरसिम्हा में भी नरसिंगा नरसिंहा नरसिंह, इतो नरसिम्हा पर तो नरसिंहो, इतो नरसिम्हा पर तो नरसिंहो, यतो यमिततो नरसिम्हा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिम्हम आदिम शरणम प्रपद्ये। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, हम लोग जब इस श्लोक इस प्रार्थना को नरसिंह भगवान जी की गाते हैं सुबह और शाम को भी, तो इसमें ये हम लोग गलती कर देते हैं कि ये ना कि इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हो यतो यामिततो नरसिम्हा बहिर् नरसिम्हो हृदये नरसिम्हो। तो नरसिम्हा और नरसिम्हो का डिफरेंस हमें समझना होगा। ऐसे ही तुलसी जी की हम लोग जब मंत्र बोलते हैं वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय के, यानी गलत है ये, वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः सत्यवत्यै सत्यवत्याय, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय, यानी गलत है ये, वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः, ये शुद्ध है। तो महाराज ने उस किताब के अंदर मंत्र उच्चारण इसी बेसिस पे कि ये मंत्र का गलत उच्चारण से कुछ का कुछ, जैसे कि महाराज ने किताब के अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया कि श्री गौरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, गौरु तो गौरु गुरु तो उसके गुरु वर्ड है, शुद्ध गौरु गाय को कहते हैं। तो महाराज ने उसमें एक कार्टून बनाया हुआ गाय की पूजा कर, तो हम लोगों को शुद्ध बोलना है, खास तौर से हम लोग जो भारत भूमि से हैं हम लोग कर सकते हैं सही प्रोनाउंसिएशन। जो लोग विदेशी भक्त हैं कई बार उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भावुक ग्राही जनार्दन, महाराज ने ये भी लिखा किताब में कि जनार्दन जो है भगवान जो है वो भावुक ग्राही हैं, वो भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन हमें अपने प्रयास, एक तो ये है कि इन जो हम लोग भजन और ये श्लोक सब गाते हैं इन सब का हमें मतलब मालूम होना चाहिए, गाते हुए वो भाव नहीं आता अगर उसका मतलब हम नहीं समझे। संसार दावा नल लीढ़ लोक, दावा जंगल अनल आग, तो जंगल की आग की तरह ये संसार है। संसार दावा नल लीढ़ लोक, त्राणा या करुणा घना घन भगवान गुरु महाराज आप जो हैं वो एक रेनिंग क्लाउड, एक मतलब बारिश ऐसे बादल की तरह हैं जो कृपा से हम लोगों को इससे मुक्त कराते हैं। तो इनका भाव इनका मंत्रों का अर्थ हमें समझना चाहिए। और इसके अंदर और भी जो बातें आई यहाँ पे कि वैसे तो ये देवी देवता लोग मिश्रित भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों ने जब अश्रुपूर्ण होकर आंसुओं के साथ में, मतलब वाकई वो बहुत मन से, बहुत उनके हृदय द्रवित था जब उन्होंने ये
भगवान से प्रार्थना की कि हमें बचाओ। तो इस कारण से, क्योंकि कई बार हम लोग जब रिपेंट करते हैं, अपनी गलतियों पर पश्चाताप करते हैं, तो भगवान उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। भगवान शुद्ध हृदय चाहते हैं। भगवान हमसे उम्मीद करते हैं कि हम जो भी कहेंगे या जो भी हमारी भावनाएं हैं वो सच्ची हों। क्योंकि जैसे कि भागवतम में श्लोक है, कर्मणा देव ने त्रेण जंतुर्देहो उपपत्ति, के कर्मणा जो हमने कर्म किए और देव ने त्रेण, नेत्र लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं हर एक के ऊपर देवताओं के, इंद्र चंद्र पवन अग्नि वायु ये सब लोग जो है बराबर हमें देख रहे हैं, हमारी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे मान लो जैसे कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर जब आता है तो तमाम टेलीविज़न की चैनल्स के बड़े बड़े कैमरे मोदी पे लगे रहते हैं या किसी सेलिब्रिटी के ऊपर लगे रहते हैं, कोई स्टार फिल्म स्टार आ जाए तो बहुत सारे प्रेस के कैमरे आते हैं, तो जो प्रेस के कैमरे आते हैं वो सब रिकॉर्ड करते हैं। इवन अगर ये सेलिब्रिटी लोग कहीं किसी होटल में खाना खाने जाना चाहें तो कैमरे लेके सब लोग वहीं पहुंच जाते हैं, कहीं पार्क में घूमने जाना चाहें वहीं पहुंच जाते हैं, कहीं किसी बीच के ऊपर घूमने उमने जाएं कैमरे लेके वहीं पहुंच जाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। तो बेसिकली वो छोड़ते नहीं, उनका प्राइवेट लाइफ होती नहीं। लेकिन हमारी भी प्राइवेट लाइफ है कहाँ, 14 कैमरे तो 12 कैमरे तो हमारे ऊपर भी लगे हुए हैं इन्हीं देवी देवताओं के। हम लोग की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है, हमारा हर कार्यकलाप उन कैमरों से रिकॉर्ड हो रहा है। और चलो अगर इन सब कैमरों से बच के मैं कहीं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में भी कोई अगर गलत चीज़ आई तो भगवान हार्ट में बैठे हुए सेंसर की तरह बैठे, सेंसर लगा हुआ है जो हमारे हर थॉट को रिकॉर्डिंग चल रही है। एक एक विचार जो भी मन में आता है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये इसलिए शुद्ध जीवन की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। वृंदावन में रहते रहते हम लोगों को वृंदावन का महत्व ही हमारे मन से निकल जाता है, कॉमन प्लेस की तरह वृंदावन को समझ लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब जैसे मेरा जन्म रुड़की में हुआ तो हम लोग हरिद्वार में बहुत कम जाते थे नहाने के लिए, लेकिन जो हमारे रिलेटिव दूर दूर से आते थे वो हरिद्वार में जाके गंगा जी को प्रणाम करके स्नान करके हरिद्वार जाना है। तो ऐसे ही जो लोग भक्त लोग बाहर से वृंदावन आते हैं, जैसे मैं मंदिर में कई बार देखता हूँ कुछ लोग आते हैं मंदिर के अंदर पहुँचते ही कीर्तन शुरू कर देते हैं, खूब एक्सटेसिव इधर उधर देखते हैं और बहुत बहुत उनका भाव विभोर हो जाते हैं वो लोग। हम लोग जब मंदिर में, चूँकि हम यहीं के हैं यहीं रहते हैं, तो मंदिर में एंटर करते हैं वो भाव वो श्रद्धा वो रेवरेंस भगवान को हम लोग कम जरा घट चली आती है फीलिंग। जैसे गुरु के साथ में जो भक्त लोग सेवा करते हैं वो कई बार ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं कि गुरु को साधारण गुरु की बातें कई बार ऐसी होती हैं जो नहीं समझ में आती, तो उसके ऊपर हम लोग ताज्जुब करने की बजाय स्पेकुलेट करने की बजाय या गुरु महाराज ने उस दिन तो ऐसा कहा था आज फिर ये कह रहे हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद जी के बारे में एक माता जी ने अपना संस्मरण बताया कि प्रभुपाद जी ने प्रसाद खाया, खाने के बाद में चूँकि ये वृंदावन या चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं तो चींटियाँ आ गई थी, तो एक दिन जो माता जी जब प्रसाद खा लिया तो उन्होंने जो चींटियों को थोड़ा हटा के और वो बीच बीच में समय लगा के प्रभुपाद जी का जो रेमिनेंट्स वगैरह फ्लोर पर था तो कुछ गिर गया था तो उसको उठा रही थी। तो मतलब शी वॉज वेरी केयरफुल क्योंकि चींटी कोई मर मर ना जाए या कुछ ऐसी बात, तो वो तो ठीक रहा। फिर अगली बार फिर ऐसे ही हुआ तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जस्ट क्लॉथ से उनको एक तरफ कर दो। तो एक दिन तो उनको रोका कि वो क्लॉथ ऐसे ना करें और दूसरे दिन कहा कि क्लॉथ से कर दो। तो ऐसा लग सकता है कि प्रभुपाद जी आपने उस दिन तो ऐसे कहा था आज ही, लेकिन गुरु की जो ये जो बातें होती हैं इनको हम भौतिक स्तर पर नहीं कह, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरु सुनर्मति वैष्णव जात बुद्धि। हम अगर भगवान विष्णु और ये सब इनको जो विग्रहों को शिला समझने लगे स्टोन पत्थर और गुरु को नर्मति गुरु को समझने लगे ये ऑर्डिनरी जैसे हम लोग ऐसे ही है और वैष्णव जात बुद्धि और वैष्णव की ये
हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, ये ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय इस कैटेगरी के हैं, उसके हैं, या शूद्र हैं ये, या इनका ये काम है, हम उस तरह से ना सोचें। वैष्णव की जात बुद्धि नहीं देखनी चाहिए, या जो विदेशी भक्त हमारे इस्कॉन में हैं हम उनको उस तरह से नहीं देखते, ना देखना चाहिए। हम लोग उनको भक्त के रूप में देखते हैं, जो कि हमारा असली कर्म। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे प्रपट में, प्रभुपाद जी प्रपट में भक्ति विनोद ठाकुर जी को कोट करते हैं कि वैसे तो भक्त लोग कहते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा, तो पूरा सरेंडर, पूरी शरणागत रहते हैं भक्त लोग। शरणागत का मतलब ये है कि भगवान हमारे लिए अच्छा करेंगे जो भी कुछ करें। क्योंकि अगर भगवान को हम लोग समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो माँ बाप यहाँ हैं इस हॉल में प्रेजेंट, वो समझ सकते हैं कि बच्चों के प्रति कितना हम लोगों के मन में हर सेकंड विचार हटता ही नहीं, बच्चे आंखों के सामने से हटते नहीं, बच्चे इतना याद नहीं करते जितना हम लोग बच्चों को याद करते हैं, बच्चों की फेस सामने से माँ के हटता ही नहीं, बाप के हटता ही नहीं। तो ये सेम चीज़ भगवान के साथ में, भगवान के सामने से हमारा चेहरा हटता ही नहीं, कभी कोई क्षण ऐसा जाता नहीं कि जब भगवान हमारे बारे में ना सोच रहे हों। तो इसलिए भगवान की कुइन कुंती, उन्होंने कहा जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने उसको रोका, फिर बाद में डाइवर्ट किया, तो परीक्षित महाराज की वाइफ, सॉरी परीक्षित महाराज की मदर उत्तरा, तो अभिमन्यु की वाइफ, तो उनके पेट पे उसको अटैक किया। तो जब वो उत्तरा चिल्लाती हुई, बर्निंग सेंसेशन उसको थी, तो वो आई भगवान के पास में, तो भगवान को उन्होंने कहा कि अभयंकर आप भय से मुक्ति दिला सकते हैं, तो कोई भी डेंजर कोई भी परेशानी हम लोगों को आती है हम लोग भगवान के पास जाना चाहिए, हमारा राइट है। बच्चा अगर माँ बाप के पास नहीं हेल्प के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा, कौन है उसका, तो हम तो भगवान की शरण में हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे है कि हम लोग भगवान की शरण को छोड़ चुके हैं, भगवान के नाम की शरण हम लोगों को लेनी है, नामाश्रय। ये नामाश्रय के अभाव में हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस जीवन में तरह तरह के दुख उठा रहे हैं कि भगवान के नाम में हमने शरण नहीं ली। और नाम की भी महिमा ऐसी है कि नाम में भी हम लोगों को, जैसे कहते ना कि भाई हमारा दिमाग जगह जगह इधर उधर भटकता है पूरी दुनिया में जब हम चैंटिंग करते हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा तब भी तुम्हें चैंटिंग करनी है। और हमारे दिमाग में पिछली घटनाएं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरा ये घर था, मेरा वो था, ये मेरा जॉब था या मेरी फैमिली, अपनी पुरानी जो हमारे स्मृति हैं, घटनाएं हैं, उनको याद कर करके दिमाग घूमता रहता है, और भविष्य की चिंता कर करके दिमाग परेशान रहता है। और वो जब चैंटिंग हम लोग करते हैं तो वो बातें हमारे मन में आती हैं, लेकिन तब भी कहते हैं भक्ति ठाकुर हमें चैंटिंग करनी ही है, तब भी चाहे इतना कुछ भी हो जाए तब भी चैंटिंग करनी है। और हमारा ध्यान भगवान में नहीं है जब हम चैंटिंग करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है, भगवान अपने नाम में प्रेजेंट है, भिन्नत्वा नाम नामी ने अभिन्न है, भगवान अपने नाम से अलग नहीं है, तब भी हमारा मन भगवान में उनसे नहीं अटैच हो पाता, इधर उधर चला जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तब भी कि अगर तुम्हारा ध्यान कंसंट्रेशन तुम्हारा भगवान के नाम की आवाज़ और साउंड में नहीं है, जो कह रहे हम लोग मुँह से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुँह से बोलते हैं कान से सुनते हैं। एक बार मैं लॉस एंजलिस में था रथ यात्रा में, तो वहाँ पे जयपता का स्वामी महाराज आए मॉर्निंग में, तो उन्होंने एक सेमिनार दिया सुबह करीब 6 बजे सब भक्तों को कि कैसे अपना ध्यान माला में बढ़ाएं। तो मैंने आने आधा बात 94 की है 95 की, तो जब मैंने भी सेमिनार अटेंड किया तो महाराज सबके पास कान ले जाके उनकी चैंटिंग सुन रहे थे हर एक की इंडिविजुअली। तो उन्होंने जब सबकी चैंटिंग वगैरह सुनी तो ब्रॉड कमेंट यही किया कि सब लोग चैंट कर रहे हैं, थोड़ा सा शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान उसमें नहीं है। जब हमारा ध्यान नाम से हट जाता है तो फिर हमारी चेहरे की जग 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 कुछ ऐसे हो लगता है, मतलब जो कि भटक जाता है। तो हरे कृष्ण शुद्ध शुद्ध नाम,
तो फिर महाराज ने भी बताया कि चलो मैं तुम्हें थोड़ी ऐसी टिप्स बताता हूँ कि इससे तुम्हारा नाम में फोकस बढ़े। उन्होंने कहा ऐसा करो, दो तरीके बताए, एक तो कि कान में उंगली डालो तो तब मंत्र को बोलो हरे कृष्ण, तो आवाज़ गूंजती है कान में तो ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है। और दूसरा उन्होंने बताया कि एक सांस में 6 या 7 या 5 या जितनी बार मंत्र बोल पाते हो तो एक सांस खींच के पूरा उसमें 4-5 बार मंत्र 6 बार मंत्र हो जाता है, कई बार 7 बार भी हो जाता है। तो उससे क्या है कि वो आपने सांस रोकी हुई है, आप मंत्र को चैंट कर रहे हैं, तो उससे भी प्राणायाम भी हो जाता है और आपका ध्यान मंत्र में रहता है क्योंकि आपने सांस रोकी हुई है। तो ये दो तरीके महाराज ने बताए जो कि मैंने कई बार अप्लाई किए, तो फ़र्क पड़ता है, उससे थोड़ा ध्यान बढ़ता है। और उसके बाद में ये अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये जो भगवान का नाम है इसकी हमारे और उनकी जो कथाएँ हैं मैं हमारा मन न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारी इंद्रियों को ये कोई बहुत आनंद नहीं मिलता एकदम से क्योंकि इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं है। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, तो क्या करना चाहिए ऐसे में, सेवन मुखी ही जीवा, सेवा करें हम भगवान की मुख में जो जीवा है उस जीवा के दो काम हैं, एक तो चैंटिंग और मतलब बोलना और एक प्रसाद खाना। तो जीवा से प्रसाद का स्वाद करें और जीवा से भगवान का नाम लें, तो स्वयं एवा ही स्मृति अथा। फिर जो भगवान का नाम गाना ये सब चीज़ें भजन कथाएं इनमें रुचि हमारी अंदर से डेवलप हो जाएगा, टेस्ट अंदर से स्वाद आने लगेगा कि जैसे कहीं भी कोई भी प्रवचन कीर्तन कहीं होता है तो ध्यान एकदम से उसकी तरफ पूरी तरह चला जाएगा कि ये मिस ना हो जाए, ये कोई बात छूट ना जाए, क्या उन्होंने कहा, क्या भगवान की कथा थी। क्योंकि भगवान की कथा सुनना इसलिए बहुत बहुत श्रेयस्कर है, बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदेमंद है कि रूप गोस्वामी ने नहीं सूत गोस्वामी ने भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 17 से लेकर 21 तक सूत शिक्षा में 5 श्लोक हैं, तो उसमें एक श्लोक में बताया जो वो श्लोक प्रभुपाद जी ने 5ों भगवद्गीता के 7 चैप्टर में जो पहला श्लोक है कि मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम अदाश्रय, कि अर्जुन मेरे में आसक्ति लगाओ, मेरे में अपना मन को आसक्त करो, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजम मदाश्रय, मेरी शरण में आ जाओ, मद आश्रय योग में मेरे से युंजम एंगेज हो जाओ, जुड़ जाओ, और उससे क्या होगा असंशयम, और क्या करना है असंशयम, कोई डाउट मन में मत रखना कि ये चीज़ हो नहीं पाएगी, कैसे होगी, क्या इसका असंशयम समग्रम, और सारी बात को पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो, पूरा का पूरा मानो, ये नहीं कि पहले 3 चैप्टर अच्छे हैं, बाद के 3 चैप्टर भगवद्गीता के बेकार हैं, या इसमें यहाँ भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया, वहाँ समग्रम पूरा एक्सेप्ट करो असंशयम समग्र यथा ज्ञा सचि तुणो, और ये मेरे से अब सुनो। तो प्रभुपाद जी ने असंशयम वर्ड को लेके वहाँ पे 7वें अध्याय के भगवद्गीता के पहले श्लोक में असंशय को लेके फिर वहाँ से सूत गोस्वामी की सूत शिक्षा जो थी भागवतम से 1-17 से 21 तक, उसमें प्रभुपाद जी ने उसको वहाँ कोट किया 5 श्लोक को भगवद्गीता के 7.1 के पर्पट में। तो उसमें यही आया कि शरणवताम नहीं विद्यते सर्व संशय, विद्यते सर्व संशय, छिद्यते सर्व संशय, विद्यते क्या है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, चात्मकर्माणम दृष्टव्यात्मनिश्वर, हमारे संशय को ये जो श्रणवताम स्वकथा कृष्ण भगवान की कथा सुनने से पुण्य श्रवण कीर्तना बहुत पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत पुण्य, हृदयंतो स्थोई अभद्राणी, हमारे हृदय में जो अभद्र इनऑस्पिशियस जो गलत चीज़ें हमारे हृदय में आके बैठ गई हैं, वो क्यों बैठ गई हैं, पिछले जन्म के कर्मों की जो फल हैं, रिएक्शंस हैं, जो बुरे परिणाम हैं, वो हमारे हृदय में एक अनवांटेड इनऑस्पिशियस मतलब अभद्र बातें हमारे हृदय में आके बैठ गई हैं, जो हमें बार बार गलत काम की तरफ लेके जाती हैं, बार बार इंद्रियों की तृप्ति में मन चला जाता है, तो वो उसकी एक काट है भगवान की कथा सुनना। भगवान की कथाएँ अनंत हैं, यशोदा माई एक तो जो वृंदावन के जो भगवान के एसोसिएट्स हैं, परम भक्त हैं,
और उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान की सेवा दे गोपियाँ वगैरह सब करती हैं, तो उनके करने में कोई जरा सा भी, जैसे कि नारद मुनि की वो कथा भी है, मैं अभी उसको पहले चैंटिंग का पूरा कर दूँ, हमारे अंदर कोई टेस्ट नहीं है चैंटिंग का, तब भी चैंट करना है, हमारे अंदर लस्टी डिज़ायर्स हैं, हमारे अंदर काम वासनाएं हैं, तब भी चैंट करना है, हम चैंटिंग करते हुए नाम अपराध, तीन स्टेज है ना, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, तो अभी हम लोग नाम अपराध में हैं कि नाम के प्रति अपराध करें, और 10 अपराध हम लोग सुबह मॉर्निंग में मंदिर में कहते ही हैं, तब भी हमें चैंटिंग करनी है। और उसके अलावा जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्णा चैतन्य पंचतत्व से कृपा मांगते हैं कि हम लोग शुद्ध नाम ले पाएँ, हम ऐसा नहीं कर पाते कई बार, तब भी हमें चैंटिंग करनी है। और कई बार हमारे राउंड सुबह सुबह पूरे नहीं हो पाते, दिन भर माला लेके घूमते हैं या शाम को करते हैं, रात में करते हैं, ठीक है, तब भी करनी है, माला छोड़नी नहीं है, अभी बहुत अशुद्धियाँ हैं, अपराध हैं, मन उधर भागता है, लस्टी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएँ, भौतिक इच्छाएँ हैं, भौतिक सुखों की कामनाएँ हैं, तब भी हमें अकामा सर्व काम हुआ, हमारे में कोई भी इच्छा नहीं है, सर्व काम सारी इच्छाएँ भरी हुई हैं, मोक्ष कामा मोक्ष की भी इच्छा है, मोक्ष कामा उदार तीव्र है ना भक्ति योगी ना, तीव्र मतलब इंटेंस, बहुत पाव, बहुत तीव्र तरीके से भक्ति योग भगवान का करना है। और उसके बाद में कहा कि इन सब विघ्नों के बाद भी, इतने विघ्न हैं चैंटिंग में, पहली बात तो बच्चे, फोन, जैसे कि मैं एक लेक्चर सुन रहा था मोहन रूपा प्रभु का कल, जो दिल्ली के टेम्पल प्रेसिडेंट है मोहन रूपा प्रभु, उन्होंने बताया अगर प्रभुपाद जी को पता होता कि माला में से एक उंगली बाहर निकाल के माला करनी है और भक्त लोग उस उंगली का प्रयोग मोबाइल पे व्हाट्सएप के, तो उंगली कहते अंदर रखो, उंगली को बाहर मत निकालो, लेकिन वो उंगली उन्होंने बाहर ही देखी, अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध जो है वो अब ये मोबाइल में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण, तो उन्होंने कहा ये उंगली प्रभुपाद जी अंदर करवा देते हैं। तो यह है कि ये भी एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मतलब आज मॉडर्न समय में ये उंगली जो कि बाहर रखनी थी ये इस चीज़ में मतलब फंस गई जाके, क्योंकि उन्हें पता नहीं था प्रभुपाद जी को स्मार्टफोन आने वाले हैं आगे समय में, मालूम होता तो कहते उंगली अंदर रखो, और या उंगली के लिए वो जैसे सर्दियों में एक माला आती है ऊन की बनी हुई, जब बहुत ठंड होती है तो उसमें उंगली भी कवर होती है, तो वैसी मालाएँ हम लोगों को रिकमेंड करनी पड़ेंगी आगे आके, जो उंगली बाहर तो है लेकिन कवर्ड है कपड़े से, तो फिर वो मोबाइल पर काम नहीं करेगी, वैसी मालाएँ हमें बनवानी पड़ेंगी अब आगे आगे इस्कॉन में। और इसमें लिखा कि इसलिए कि अभी हम लोगों ने मतलब जैसे हम लोग जैसे बहुत सारी भाव लेते हैं कि मैं आज के बाद ये नहीं करूँगा, आज के बाद बोलेंगे, लेकिन हम लोगों ने एक शपथ एक व्रत ऐसा लिया कि मैं आज के बाद इनिशिएशन के बाद कि 16 माला कभी छोड़ूंगा नहीं, तो इससे बड़ी कोई शपथ या वाव या व्रत हो नहीं सकता। ये जो चैंटिंग का व्रत है ये सबसे बड़ा व्रत है, और इसको रखना है, इस अपने शपथ को वाव को रखना है हमें हर कंडीशन में हर हाल में, देखिए अहतुकी अप्रतिहता समय पुंसा परो धर्मा ये तो भक्ति अधोक्षजे अहतुकी अप्रतिहता, अहतु मतलब हेतु, हेतु मतलब कोई कारण कि भाई हम लोग इसलिए माला कर रहे हैं कि हमारे एक लड़का हो जाए या हमारे कैंसर हो जाए, हमें जॉब मिल जाए, तो हेतु हम लोग किसी कारण से माला नहीं कर रहे, अहतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए माला रुकनी नहीं चाहिए, माला रुक गई तो हमारा जो व्रत है जो हमारा वाव है वो ख़त्म हो जाएगी, और इससे बड़ी कोई वाव नहीं है। मतलब मेडिटेशन हजारों साल का, जैसे कि हर युग का अलग धर्म है, सतयुग में लोग हजारों हजारों साल, 50,000 साल, 60,000 साल तपस्या करते थे, त्रेता युग में लोग हवन करते थे और भगवान वेदों के ऊपर, और उसके बाद में द्वापर युग में लोग मंदिर में मूर्ति पूजा, 12-12 ब्राह्मण, 15-15 ब्राह्मण, 56 भोग और 6-6 बार 8-8 बार भोग लगता है भगवान को मंदिरों में, तो द्वापर युग की बातें थी। कलयुग में बहुत कुछ कम बचा है, बहुत कम, और बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि ना शुद्ध घी है, ना शुद्ध ब्राह्मण है, ना कोई चीज़ सही मिलती, तो कलयुग में भगवान का नाम कृते तध्याय तो पुंसा देवतायाम यजतो मखई द्वापरे अर्चायाम खलऊ तदरी कीर्तनम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलऊ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, हरि का नाम लो
हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, सिर्फ हरि का नाम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। तलाक 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 3 बार भगवान ने 3 बार बहुत सीरियसली बता दिया कि भाई हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। फिर ये कहा कि नास्ते व नास्ते व नास्ते, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कलयुग में कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। इति षोडशकम नामक 16 शब्दों से बना हुआ ये मंत्र कली कलमश नाशनम, कलयुग के समस्त पापों का नाश कर सकता है। न तो परतर उपाय, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेशु दशरथ, सारे वेदों को देखने के बाद व्यास देव जी ने कली 17वें उपनिषद में कहा कि 16 शब्दों का बना हुआ मंत्र सब कुछ इसके अंदर है। इसीलिए जो हमारे प्रभुपाद जी ने ये मंत्र जब चैतन्य महाप्रभु ने 525 साल पहले इस मंत्र को सबके सामने रखा, इस मंत्र को दोबारा प्रेजेंट किया, तो इसको स्थापित किया युग धर्म को, तो प्रभुपाद जी ने उसी को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया। तो और ये जो होली नेम है ये सिर्फ मैंने कि गोलो केर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक वृंदावन का जो राधा रानी का और गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम है, ये वो प्रेम धन इस नाम के रूप में यहाँ है। और इस नाम को जब हम लोग लेते हैं, हरे कृष्णा मंत्र को बोलते हैं, तो इस मंत्र की एक पावर है, ये सारे के सारे आसमान में जो 6-7 लेयर हैं उनको भी भेद के भगवान के गोलोक वृंदावन में चरणों में जाके उनकी जो केसरिया चरणों का रज है उसको वहाँ से ला के हमारे ऊपर डाल देते। ये जो चरणों की भगवान की रज जब हमारे ऊपर आके गिरती है, बरसती है, कृपा आती है, तब हम लोगों का जो चित्त है वो शुद्ध धीरे धीरे होता है। तो ये जो शुद्धिकरण का प्रोसेस, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, इसका यही है सबसे बड़ा कि हम लोग अपने लिए ये सब। और पहले यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ, हम लोग सबसे पहले अपनी माला, जैसे कि क्रिकेट के अंदर विराट कोहली जब पिच पिच पर रन बनाते हैं लोग भागते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, तो जो वो शो है उनका, वो शो क्या है, दौड़ रहे हैं पिच पर फटाफट रन ले रहे हैं, तो दौड़ने की ताकत कहाँ से, सुबह उठ के वो लोग जिम में जाके या योगा वगैरह करके वर्कआउट करके अपने आप को फिट रखते हैं तभी वो दौड़ पाते हैं। ऐसी भक्त लोग सुबह उठ के अपनी माला, अपनी साधना, फुल मॉर्निंग प्रोग्राम। फुल मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, 4:16:4 4 बजे आरती अटेंड करनी है, 16 माला बढ़िया चैंट करनी है, ऑटोमेटिकली 4 प्रिंसिपल फॉलो हो जाएंगे, भागवतम क्लास अटेंड करनी है। जब मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया उसके बाद हम उस दिन के लिए तैयार हैं, आगे के तमाम जो बुरे समाचार दिन भर आने हैं उनको सुनना है, उनको देखना। अच्छा समाचार कोई आ सकता है दुनिया में, ये मेटल वर्ड है, भगवान ने बताया संसार दुखालय अशाश्वत, ये दुखों का घर है और मैंने इसको इस तरह से बनाया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान जी आपने दुखों का घर बना दिया, बड़ा अच्छा किया, हम इसमें आपको मजा लेके दिखाएंगे, हम इसमें आनंद लेके दिखाएंगे आपको। भगवान कहते ले लो, मंजिलो संसारा सुखे, गोविंद गोरा क्या बोली ने मुखे भज मंजिलो संसारा सुखे, कर लो इस संसार के सुख में, जानो कर लो जो करना है। ऐसे बिल्कुल जैसे कोई आदमी ये कहे कि मेरे घर में मैं टॉयलेट के अंदर, बड़ा सा टॉयलेट है, अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े टॉयलेट होते हैं, वहाँ पर टॉयलेट में फूल वूल ये वो बड़ा बड़ा जकोजी वगैरह और बहुत साफ और बड़े मतलब पर्दे वर्दे लगा के बड़ा सुंदर बाथरूम होता है अमेरिका में, लेकिन मैंने किसी सोते हुए नहीं देखा कि बाथरूम में परफ्यूम छिड़क के खाट बिछा के लेटे हुए हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं सोया। ऐसे ही ये दुनिया है, ठीक है, अच्छी है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये रहने का प्लेस नहीं है। यहाँ अपने मतलब की बात करो, अपना काम निकालो, पैक करो और निकल लो। जैसे ट्रेन के अंदर हम लोग जब जाते हैं, चाहे वो जनरल डिब्बा हो, चाहे 3 टायर हो, चाहे 3rd AC हो, चाहे 2nd AC हो, चाहे 1st AC हो, अलग अलग क्लास हैं ट्रेन के अंदर, आपको उसमें यात्रा करनी है
लेकिन एक पॉइंट पे आके आपको उतरना है। वो बात दूसरी है कि आप ट्रेन में इस पॉकेट में मैगजीन है, यहाँ चश्मा है, यहाँ मोबाइल है, यहाँ पानी की बोतल है, या खाने का इंतजाम है, या चप्पल रखी है, सामान रखा, सब कुछ बढ़िया। ट्रेन छुक 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 ट्रेन चल रही बढ़िया आराम से, और मैं आराम से बैठा हूँ। लेकिन जैसे ही आएगा आपका स्टेशन आ गया तो आप सामान समेट के तुम ही चलोगे, और जो जितना फैला के रखेंगे उतना ही समेटने में दिक्कत होगी। खूब फैला लो इस दुनिया के अंदर, इतना आडंबर फैलाना है, एंड में प्रॉब्लम वही आएगी कि जब समेटने का टाइम आएगा तो हाय 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 मेरा ये रह गया, हाय मेरा वो रह गया, हाय मेरा वो रह गया। जब मेरी माँ मरी, शरीर पूरा हुआ, तो हम लोगों ने बक्सा खोला कुछ भी नहीं, खाली सारी उम्र सब कुछ पहले से ही दे के चली, किसी कुछ कुछ रखा ही नहीं। जब बक्सा खोला तो बक्से के अंदर पुरानी एक दो धोतियाँ होतियाँ हैं, शुरू से ही एम्प्टी है। जब खा लिया आता है, खा लिया जान, जैसे कि सिकंदर जब भारत में उसने अटैक किया, अटैक करने से पहले इंडिया आया, सिकंदर पूरी दुनिया जीतता हुआ, उन्हें चलो पहले मैं देख के आता हूँ। तो अंदर गया वहाँ नदी के किनारे, वो साधु लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने उससे कहा कि देखो मैं अलेक्जेंडर खड़ा हूँ, दुनिया का राजा, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया जीत के आया हूँ, देखो मुझे मांगो क्या मांगना है। तो वो साधु ध्यान में बैठे नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा अगर आपको कुछ देना ही है, भाई ये धूप सीधी आ रही थी, आप खड़े हो, धूप रुक गई, आप हट जाइए, इतनी हमारी मदद कर रही है, सामने आप खड़े हुए हैं, धूप रुक रही है, आप हट जाएंगे, धूप आ जाएगी, इतनी आपसे यही कृपा आप हम पे कर दीजिए। तो सिकंदर ने कहा भैया ऐसा है, इस देश के अंदर, इस देश की संस्कृति त्याग की है, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, ये वैराग्य विद्या इस देश के अंदर है, ये लोग हम रूल नहीं कर सकते। रूल कर सकते हैं उन लोगों को जिन्हें सुबह सुबह खाने पीने को मांस मदिरा ये एन्जॉयमेंट वो एन्जॉय, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ चाहिए, उन लोगों को आराम से रूल कर सकते हो। जैसे अमेरिका बहुत अच्छा रूल करते हैं वो लोग, सबको अच्छी तरह मांस वास शराब खाने पीने को मिल गई, यहाँ बहुत बड़े सब लोग वोट दे दो, ठीक है। तो उनके यहाँ से हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। तो अब सिकंदर जब वापस पहुँचा तो उसकी जब डेथ का टाइम आया तो उसने अब डॉक्टर को बुला के कहा भाई देखो सब लोग ऐसा है कि मैं अभी मेरे को कुछ काम बाकी है, एक दो साल में जीना चाहता हूँ, तो साहब हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आके हम लोग फेल हैं, आपकी डेथ का टाइम आ चुका, हम डॉक्टर हैं लेकिन ऐसा हमारे पे कुछ नहीं है कि आपको हम। बोले भाई ऐसा करो कि अगर मुझे कुछ साल भर की आयु और दे दे, जो बचे हुए काम पूरा मैं कर लूँ, तो मैं उसको अपना आधा साम्राज्य दे दूँ। डॉक्टर ने कहा साहब हमारे हाथ में नहीं है, हम पहले कह चुके, कहले चलो मुझे एक महीना कोई दे दे, मैं आपको 3/4 दे दूँ। बोले एक महीना भी नहीं मिल सकता, कहले चलो चाहे 2 दिन और पूरा राज्य। नहीं साहब ये भी नहीं हो सकता। तब सिकंदर ने कहा ठीक है मैं समझ गया बस अब कि मैंने पूरी जिंदगी इस दुनिया को जीतने में लगाई और आज वो पूरी दुनिया का साम्राज्य मुझे एक दिन की लाइफ नहीं दे सकता, क्या ऐसी इस सारे काम का क्या मिला मुझे एंड में। उन्हें ठीक है अब ऐसा करो जब मैं मरूंगा तो तुम चारों डॉक्टर जो है ना मेरे ताबूत को लेके जाना, मेरी इच्छा है। दूसरी इच्छा मेरी ये है कि ताबूत ऐसा होता है आदमी सीधा लेटा हुआ है, बॉक्स बंद है, तो ना दोनों मतलब एक होल बना के साइड में मेरे हाथ बाहर निकाल देना है ऐसे। और तीसरी इच्छा मेरी ये है कि जो जहाँ मेरी कब्र बनेगी तो वहाँ का रास्ता जो है ना उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए होने चाहिए, सुंदर बढ़िया गोल्ड पन्ना मोती हीरे। अब लोगों ने पूछा भाई आप चलो आपकी 3 इच्छाएँ हम पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा क्या चीज़ है। बोले भाई मैं हाथ इसलिए बाहर करवा रहा हूँ ताकि सबको पता लग जाए सिकंदर खाली हाथ आया था, सब कुछ जीता के लिए खाली हाथ ही जा रहा है, कुछ भी साथ नहीं गया मेरे। और तुम लोगों मैंने इसलिए कहा कि मेरी बॉडी लेके जाना ताकि सबको पता लग जाए कि डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकते, डॉक्टर ही लेके जा रहे हैं, ले जाओ भाई। तो कि ये 4 डॉक्टर उठा के लेके जा रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर हैं सारे बड़े बड़े लेकिन कुछ कर नहीं पाए, ये बताना चाहता हूँ। और साथ में जो हीरे जवाहरात मैंने कहे हैं रास्ते में जड़ दो, वो इसलिए कि जितने भी हीरे जवाहरात मैंने जीते इकट्ठे किए वो सब यही हैं, मेरे साथ कुछ नहीं गया। तो क्या आदमी की ज़िंदगी है, किस तरह से हम लोग लाइफ को अपनी ओरिएंट करते हैं, किस तरह से अपने आप को हम लोग अपने जीवन में इन सब चीज़ों को समझते हैं, इसको जीवन में डे बाय डे हर रोज भगवान के प्रति समर्पण है, जो कि यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर का प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसा आत्मसमर्पण आवश्यक है। कैसा आत्मसमर्पण कि अश्रुपूर्ण
भगवान से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए आंखों में आंसू भर के हृदय से प्रार्थना जब की जाएगी तो भगवान उसे सुनते हैं। और ऐसे भक्त जो कि किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास गए लेकिन अशुभ पूर्ण शुद्ध मन से उन्होंने भगवान से हेल्प को मांगा, शरण में गए उनकी, तो वो भी प्रभुपाद जी ने कहा कि कभी कभी भौतिक इच्छाओं को जाकर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। ऐसे लोग भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं क्योंकि भगवान अगर उनके दर्शन से ही वैराग्य आने के रहता है। जब ध्रुव महाराज को हुआ कि वो गए थे तो भौतिक इच्छाओं के साथ, लेकिन वहाँ पहुँच के भगवान के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये सब मेरी मिस्टेक थी, मैं गलती में था, मैं इस तरह की चीज़ें आपसे मांगने के लिए चला आया, आप तो परम परमेश्वर हैं और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब भक्त लोग इस लेवल पे आ जाते हैं तब भगवान अपनी सारी समग्र जो उनकी ऑपुलेंस, जो उनकी ऐश्वर्य हैं, वो अपने भक्तों से शेयर भी करते हैं। उन्हें मालूम है, प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी से भगवान कृष्ण ने अपने सारे ऐश्वर्य उनको दिए, सारे ऐश्वर्य दिए। सारे ऐश्वर्य क्यों दिए? क्योंकि प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, उन्हें कोई भी चीज़ अपने लिए कभी भी कैसे भी यूज़ करने का सोचा नहीं। इतनी कारें खड़ी रहती थी, इतने उनके हर शहर में लाखों लाखों डॉलर के मंदिर प्रभुपाद जी ने बनवाए, हर मंदिर में उनके लिए कमरा, सब प्रभुपाद जी का इतना ऑपुलेंस, लेकिन अपने लिए प्रभुपाद जी सब चीज़ भगवान की सेवा में प्रभुपाद जी ने उसकी। तो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।